everyone, good evening. Welcome to Let's Crack UPSC CSE presented by An Academy. I, Rajul Srivastav, welcome all of you on India's largest learning platform. Now you can crack your UPSC CSE with An Academy. So how's you all? I hope aapki preparation bahut achhi chal rahi hogi. Kindly install the An Academy learning app because yahan aapko milti hain daily live classes, live test series and quizzes, structured courses or unlimited access on any courses. Okay, so just download the An Academy learning app and select the UPSC CSE category. Hi everyone, this is about me. My name is Rajul Srivastav and I'm educated on An Academy since 2019. I'm teaching you on various platforms such as UPSC CSE. Here I'm teaching the optional subjects. Apart from UPSC CSE, I'm teaching on MPPSC and Vyapam as well. Okay, alright. So today we will discuss that Indian ट्राइबल आर्ट. ओके, सो आज हम जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक फॉर द डे इज इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट. आर्ट एंड कल्चर हमने स्टार्ट करा है एंड आर्ट एंड कल्चर में जो आर्ट वाला पोर्शन, बेसिकली जो पेंटिंग वाला पोर्शन है, इसे हम जल्द ही एंड करने वाले हैं, राइट? सो इन दिस क्लास व्हाट वी कवर, सो वी विल कवर इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट. ओके, ऑलराइट. सो नाउ मैं आपको भी ये बता देती हूँ कि हमने अभी तक कौन से टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं. सो फ्रेंड्स, ये जीएस पेपर वन है एंड जीएस पेपर वन का कोर्स मैंने 11th ऑफ अक्टूबर से स्टार्ट किया था. ओके, टिल नाउ मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं. आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, आर्ट ऑफ द मौर्यन पीरियड, बुद्धिस्ट मूवमेंट ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट ऑफ साउथ इंडिया, टेम्पल आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, अपार्ट फ्रॉम दैट डेक्कन आर्किटेक्चर, आर्किटेक्चर अंडर द सल्तनत ऑफ दिल्ली. देन हमारा एक आंसर राइटिंग सेशन हो चुका है. इंडियन क्राफ्ट एंड पेंटिंग हमने अभी अभी पढ़ा था और कल की क्लास में मैंने आपको एम्ब्रॉयडरी के बारे में बताया था. नाउ आज हम कवर करने जा रहे हैं ये वाला टॉपिक, विच इज इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट. ओके, आज हम इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट पढ़ रहे हैं. नेक्स्ट क्लास होगी हमारी पेंटिंग्स पर, देन हम पढ़ेंगे फेमस पेंटर्स ऑफ इंडिया, उसके बाद होगा हमारा आंसर राइटिंग सेशन नंबर सेकेंड एंड देन हम इंडियन म्यूजिक एंड डांसेस को स्टार्ट कर देंगे पढ़ना. ओके, okay, the nine lectures are available. Kindly click on the description box. Description box mein there is a link. Click on that link and you will get the entire playlist. Okay? Good evening guys. Alright, so before starting the session, I want to tell you that on An Academy, you will get India's top 100 educators. Okay, you will get India's best educator. Now, what is the fee structure? So let me very specific with the fee structure. There are two type of subscription of for UPSC CSE. ओके, यूपीएससी सीएसई के लिए दो तरीके के सब्सक्रिप्शन है. वन इज प्लस सब्सक्रिप्शन. सी, प्लस सब्सक्रिप्शन से भी आप प्रिपरेशन कर सकते हो, बट प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको कुछ लिमिटेड फीचर्स मिलेंगे, जैसे लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्स स्केड्यूल. ये सब कुछ प्लस में अवेलेबल है. द फी स्ट्रक्चर 12 मंथ के लिए 49,500, 24 मंथ के लिए 72,000. ओके, नाउ हियर इफ यू यूज माई कोड आरजे लाइव, आप यहाँ पर मेरा कोड यूज करते हैं आरजे लाइव, यू विल गेट 10% डिस्काउंट डायरेक्टली. आपको सीधा 10% डिस्काउंट मिलेगा एंड योर फी विल बी 64,800 फॉर 12 मंथ. ओके, ये आपकी जो फी है, दिस विल बी फॉर 24 मंथ. यू कैन पे दिस फी इन ईएमआई एज वेल. आप इस फी को ईएमआई में भी पे कर सकते हैं. But let me tell you about what is the difference between plus subscription and iconic subscription. It is the biggest confusion, correct? ये बहुत बड़ा confusion रहता है कि iconic and plus में difference क्या है. See, iconic में आपको कुछ additional features मिल जाते हैं, जैसे study planner. उसके अलावा you will get the personal feedback option. Okay, so आपको personal feedback option मिल जाता है and the best feature is daily question answer practice for mains. Right, so these are the prices for a main subscription. For iconic subscription, for 12 months the fee is 69,500.
But same, if you will use the code RJLIVE, your fee will be 62,000. Okay. One more very important thing, and the thing is that कि आपको एक बहुत अच्छा offer available है till 31st of October. All the learners subscribing to GS category. जितने भी लर्नर GS category के लिए subscription ले रहे हैं 31st October तक, they will get complimentary subscription to optional category. तो उनको complimentary optional category free मिलेगा, right? So ये subscription limited है. See, बहुत सारे optional courses are available. And yes, मुझे यहाँ पे मेरे courses के बारे में बताना है. See, my courses are on sociology optional. So मैं आपका sociology optional cover करा रही हूँ. Apart from that, anthropology optional. Both the subjects are available on an academy learning app. Kindly take the subscription by using my code, which is RJLIVE. So good evening guys, let's start the session. Start करते हैं हमारा आज का session. So हमें क्या पढ़ना है? Indian tribal craft के बारे में पढ़ना है. So let's start, let's crack. Okay. फ्री विनय जी, मैं आपको पढ़ा रही हूँ. ये लेक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इसकी पीडीएफ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही मिलेगी. फाइन, पर आपको जब कुछ अच्छा करना है तो बहुत सारी स्ट्रैटेजी है एंड उसके लिए कंप्लीट सिलेबस के लिए आपको फी पे करनी है. ओके, ऑल राइट, तो स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन. सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट. सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअल में इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट से हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. See, Indian tribal craft rarely mirrors of their lives, their food and their sources. Observation, right? So, Indian tribal craft से हमको क्या पता चलता है? Indian tribal craft, अब इंडिया में बहुत सारी tribes हैं. आपको इंडिया में अलग-अलग region पर you found many tribes, okay? तो वहाँ पे आपको क्या मिल जाता है? उन ट्राइब्स ने उनके क्राफ्ट में वो क्या शो करते हैं, उनके क्राफ्ट में आपको उनके लाइफस्टाइल के बारे में पता चलता है, उनके फूड पैटर्न के बारे में पता चलता है, उनके सोर्सेस के बारे में पता चलता है कि क्या चीज़ें वो यूज़ करते हैं. सो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इनका कंबाइन आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट में. नाउ मेजॉरिटी ऑफ इंडियन ट्राइबल इनहैबिट far off forest and keep distance from the nearby agriculture villages. जितने भी tribes हैं इंडिया में, ये बहुत दूर forest areas में या फिर जो society की main stream है, ये उससे दूर रहते हैं, उससे अलग रहते हैं. एंड जो एग्रीकल्चरल विलेजेस भी रहते हैं, उनसे भी ये दूर रहते हैं, राइट? सो यहाँ पे हमको क्या पता चलता है कि जो ट्राइब्स हैं, ये जो ट्राइब्स हैं ना, इनको ये जो है सेटल्ड विलेज में नहीं सरवाइव कर पाते और इसीलिए इनका एरिया अलग रहता है एंड दैट्स व्हाई दे आर नॉट डेवलप. इसलिए क्या है, इसलिए ये डेवलप नहीं है और इसलिए ये छोटे छोटे काम करते हैं, सच एज फिशिंग, हंटिंग, कैटल ग्रेजिंग, ये सारे काम ये लोग करते हैं. सो अभी हमको समझ में आया व्हाट एग्जैक्टली द ट्राइब इज. ट्राइब यहाँ पर क्या है? सो ट्राइब क्या है? जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा पीछे है. क्या है? जो सोसाइटी की मेन स्ट्रीम से बहुत ज़्यादा पीछे है, जो डेवलप्ड नहीं है, वही चीज़ ट्राइब कहलाती है. दैट इज नोन एज ट्राइब. आई होप ट्राइब इज क्लियर. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द ट्राइब्स ऑफ इंडिया. इंडिया की जो अलग अलग ट्राइब्स हैं उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं. सो इंडियन ट्राइब्स के बारे में यदि हम बात करें तो इंडिया का ट्रेडिशन ऐसा है कि आप आर्ट एंड क्राफ्ट के फील्ड में देखें तो इंडिया में हमने अभी स्टडी करा था लास्ट लेक्चर में ही, लास्ट टू लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे कि इंडिया में आपको डाइवर्स टाइप के क्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं, सच एज बैम्बूज का यूज़ करके, लेदर का यूज़ करके. सो अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके हमें क्राफ्ट देखने को मिल जाते हैं. सो इंडियन ट्राइब्स की बात करें यदि हम यहाँ पर, if we are discussing about the Indian tribes, so they have a rich craft tradition, okay? और जो क्या है, जो कि diverse है, अलग अलग जगह आपको अलग अलग मिलेगा. For example, जैसे basketry, अरुणाचल प्रदेश में they used to make baskets. वो लोग क्या बनाते हैं? Baskets बनाते हैं. इसके अलावा मध्य प्रदेश का जो tribe है, so मध्य प्रदेश का tribe, what they do? So tribes of मध्य प्रदेश do the metal casting. मध्य प्रदेश की ट्राइब मेटल कास्टिंग करती है. अपार्ट फ्रॉम दैट, टेराकोटा. टेराकोटा इज वेरी फेमस सिंस इंडस वैली सिविलाइजेशन.
सो टेराकोटा तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम से भी फेमस है. अपार्ट फ्रॉम दैट टेराकोटा और वोटिव ऑफरिंग्स, ये सारी चीजें कहाँ फेमस हैं? सो दीज ऑल थिंग्स आर फेमस इन गुजरात. तो ये गुजरात रीजन में फेमस है. नाउ हम यदि बात करें ट्राइब्स ऑफ नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स की जो ट्राइब्स हैं, हाय एवरीवन, जितने लोग क्लास ज्वाइन करते जा रहे हैं, हेलो, हाय, वेलकम. ओके, सो लेट्स डिस्कस द नेक्स्ट थिंग. ओके, नाउ हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइब्स ऑफ नीलगिरी. तो नीलगिरी हिल्स की जो ट्राइब है ये स्पेशली है बिकॉज इनका जो क्राफ्ट वर्क है इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट वर्क में काफी ज्यादा डिफरेंट है और दैट्स व्हाई दे आर वेरी फेमस. इसीलिए ये क्या है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा फेमस है. अब नीलगिरी की हर ट्राइब जो है वो फुली इंटीग्रेटेड है और इनका क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है इनको एक दूसरे पर क्या करता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट कराता है. सो नीलगिरी की जो ट्राइब्स हैं दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ये एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है. सत्यम कमल, गुड इवनिंग, परेशान मत होइए, राधे राधे, जस्ट फोकस ऑन द लेक्चर. आई नो दीज थिंग्स आर वेरी इजी बट हियर यू नीड टू डेवलप द आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग. ओके, इन सारे लेक्चर्स की हेल्प लेके आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग को ही डेवलप करना है. आई होप इतनी चीजें समझ में आई होगी. दीज आर वेरी सिंपल थिंग. एंड सी, जीएस की जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं, यस इट इज द आर्ट एंड कल्चर क्लास मोहन. ओके, सो जीएस की आप जब भी प्रिपरेशन करते हैं, जीएस मेंस पेपर्स की, सो मेरा सजेशन है प्लीज डू द डिस्कशन. आप जितना ज्यादा डिस्कस करोगे चीजों पर, जितना ज्यादा आप चीजों को एक्सप्लोर करोगे, द थिंग्स विल बी ईजी फॉर यू, चीजें आपके लिए ज्यादा ईजी हो जाएंगी. चलो तो अब हम बात करते हैं नीलगिरी एरियाज की. ओके, सो नीलगिरी की हम बात करें तो बेसिकली नीलगिरी की बात क्या है कि नेचुरल एनवायरनमेंट है नीलगिरी में. पहली चीज तो क्या, द नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ द नीलगिरीज हैज अनडाउटेडली इम्प्रेस्ड अपॉन मटेरियल कल्चर इन इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट. तो बेसिकली इनका जो एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने के कारण ये बाकी चीज़ों से अलग है. एंड दे हैव मैनी रिसोर्सेज, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, हिली एरियाज में ये रह रहे हैं, इंटेंस रेन है, कोल्ड है, तो ये सारी चीज़ों के कारण कॉन्स्टेंट फेयर ऑफ एलिफेंट्स, ये सारी जो चीज़ें इनके कारण इनका क्राफ्ट कैसा है, इनका क्राफ्ट सिंपल है, लाइट है और ऑर्डिनरी है, साधारण है, काफी साधारण है. ज्यादातर दे यूज बैम्बू, तो इनके क्राफ्ट में हमको क्या मिलेगा. सो ज्यादातर वाई टू नो योर क्लासेस नोटिफिकेशन, मोहन आई डिडंट अंडरस्टैंड योर मैसेज, इज इट दैट यू डिडंट रिसीव द नोटिफिकेशन ऑफ द क्लास. इन दैट केस मोहन, माई सजेशन इज काइंडली ज्वाइन अ ग्रुप ऑन टेलीग्राम विच इज लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी. In that case, you will get UPSC CSE. Okay. In that case, you will get the link of entire sessions. Okay, Mohan? चलिए. So, bamboo जो है ये बहुत ज़्यादा important material है जो नीलगिरी की tribes अपने क्राफ्ट में यूज करती हैं, अपने कंस्ट्रक्शंस में यूज करती हैं. अब इसमें अपार्ट फ्रॉम दैट बैम्बूज के अलावा दे यूज क्ले, दे यूज वुड, दे यूज पाम लीफ एंड मेटल, ये सारी चीजें भी वो अपने क्राफ्ट वर्क में एज अ रॉ मटेरियल यूज करते हैं. नाउ द लास्ट ऑल दो इज रेयर ओइंग द नोन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल. चलिए, इन द नीलगिरी रीजन्स में हम बात करें तो वार्स आर रेयर एंड इवन अनहर्ड ऑफ अनलाइक अदर ट्राइब्स. तो यहाँ पे आपको जो वार्स हैं, जो पॉट और ये सारे जो बर्तन हैं, ये आपको काफ़ी ज़्यादा रेयर मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे. जैसे नॉर्थ ईस्ट एरिया में ज़्यादातर क्राफ्ट की बात करें तो वहाँ पे आपको अलग अलग डिज़ाइन के वार देखने को मिलते हैं. ओके, तो नीलगिरी के जो ट्राइब्स हैं ये चार लोकल ट्राइब में डिवाइड है. सो दे आर डिवाइडेड इंटू फोर लोकल ट्राइब्स. ठीक है, अब फोर लोकल ट्राइब्स नीलगिरी के कौन से हैं उनको हम स्टडी करते हैं. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेलकम. Okay.
सो लेट्स स्टडी द फोर लोकल ट्राइब्स ऑफ नीलगिरिस. ओके, द वेरी फर्स्ट ट्राइब जो आप इमेज में भी देख पा रहे हैं, दिस इज टोडास. इनको क्या कहते हैं? टोडास कहते हैं. अब टोडास कैसी है? तो टोडास आर द मोस्ट एंथ्रिलिंग एंड कैप्टिवेटिंग ट्राइब. तो ये सबसे ज्यादा एंथ्रिलिंग और कैप्टिवेटिव ट्राइब है नीलगिरिस की. एंड इसके अलावा इफ हम इस ट्राइब के बारे में बात करें, सो टोडास आर बफेलो हर्डर्स. ये क्या करते हैं? ये गाय भैंसों को पालते हैं, सप्लायर ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट. सो टोडा ट्राइब क्या करती है? जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं सच एज मिल्क, घी, बटर एक्सेट्रा, सो दे आर द सप्लायर ऑफ द डेयरी प्रोडक्ट्स. नाउ द टोडा वुमेन आर एक्सपर्ट इन कॉफिंग एंड इंट्रीट एम्ब्रॉयडरी ऑन द सर्फेस ऑफ प्लान कॉटन मटेरियल. तो आप इमेज में देख रहे हो वॉट दे डिड, इन्होंने प्लेन कॉटन मटेरियल को पहना हुआ है और उसके ऊपर से इन्होंने एम्ब्रॉयड्रीड जो कॉटन मटेरियल है उसको पहना हुआ है. सो इनका ड्रेसिंग स्टाइल जो है वो इस तरीके से होता है. ओके, यस, यू विल गेट द PDF एज वेल वैष्णवी ऑन टेलीग्राम ग्रुप. ओके, ऑल राइट. सो यहाँ पर आपको समझ में आया कि जो टोडास विमेन होती है वो इस तरीके से वाइट साड़ी के ऊपर एक एम्ब्रॉयड्रीड क्लोथ को पहनती है. अब ये जो एम्ब्रॉयड्री रहती है इसमें क्या होती है? इसमें ज्योमेट्रिकल डिजाइंस होती है, कुछ डेफिनेट शेप्स, ये सारे कुछ डेफिनेट पैटर्न्स, इधर द ट्राइंगल और द स्क्वायर, ऐसे सारे अलग अलग जो कॉटन मटेरियल पर क्या होता है, ज्योमेट्रिकल डिजाइंस होती है. अभी ये zigzag band भी हो सकते हैं, triangles भी हो सकते हैं, squares भी हो सकते हैं, या फिर dot form में भी हो सकता है. ओके, अब ये जो रहता है ये shawl की तरह रहता है और इसको क्या कहते हैं? इसको पुटकुली कहते हैं. तो ये जो आप देख रहे हो टोडा women's ऊपर से ये shawl की तरह इसको wear करें, this is known as पुटकुली. तो इसको क्या कहते हैं? इसको पुटकुली कहते हैं. सो इट इज क्लियर वॉट इज पुटकुली एक्चुअली, पुटकुली है क्या? ओके, सो टोडास विमेन वाइट साड़ी के ऊपर या वाइट क्लॉथ के ऊपर एक शॉल लाइक एक चीज को पहनते हैं, दैट इज नोन एज पुटकुली, उसको पुटकुली कहते हैं. नाउ टोडास ऑल्सो वियर, इसके अलावा जो है वो लोग सिल्वर ज्वेलरी पहनते हैं. क्या पहनते हैं? सो दे वियर सिल्वर ज्वेलरी. ओके, यस मोहन, आई एम टीचिंग ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप एज वेल. इफ यू विल टेक दैट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, kindly use my code RJLIFE, you will get 10% discount. Okay? All right, so Todas women silver jewelry को पहनती हैं. इसके अलावा ये जो है ये एक leading band है Indian tribal craft में, जो कि cane crafting करते हैं. तो ये किस तरीके की crafting करते हैं? Cane crafting करते हैं. Now what is cane crafting? Cane crafting क्या होता है? So please visit my previous lectures. The playlist is available in the description box. So वहाँ से आपको cane crafting के बारे में पता चलेगा. नाउ ये जो रहते हैं इसके अलावा डेयरी बेस्ड जो ट्रेडिशन है इनका, तो ट्रेडिशन इज डेयरी बेस्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट लॉन्ग केन इज स्प्लिट इनटू मल्टीपल फोर्क एंड कवर्ड विद बर्ड लाइक स्ट्रक्चर. ओके, सो ये किसके बारे में है? ये था टोडास ट्राइब के बारे में. टोडास ट्राइब के बारे में सिर्फ इतना ही याद रखना है, पहली चीज तो विमेन का ड्रेसअप और सेकेंड चीज दे आर बफेलो हर्डर्स एंड द सप्लायर ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स. इज दैट क्लियर एवरीवन? बादर दिन इज देयर एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है? ओके, टोडा ट्राइब क्लियर हो गई. इफ टोडास आर क्लियर देन लेट्स डिस्कस. अब हम बात करते हैं नीलगिरी की नेक्स्ट ट्राइब के बारे में, जिसे कहते हैं कोटास. क्या कहते हैं? कोटास कहते हैं. सो अभी हम कोटास के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ जो इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट है राइट, सो ये सबसे ज्यादा आपको मिलेगा कोटास में. बेसिकली कोटास जो रहते हैं दे आर लेजेंडरी म्यूजिशियंस. ये क्या होते हैं? ये लेजेंडरी म्यूजिशियंस होते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट सर्विंग एन असेंशियल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ म्यूजिकल इक्विपमेंट. सो कोटास ट्राइब जो है नीलगिरी की, उनकी स्पेशलिटी ये है कि ये म्यूजिकल इक्विपमेंट्स को बनाते हैं और इन्हीं को सप्लाई करते हैं. अब म्यूजिकल इक्विपमेंट्स में ये क्या क्या बनाते हैं? वॉट हैपन, ये MPPSC वाली क्लास नहीं है राम, दिस इज द क्लास फॉर UPSC. ओके,
एंड हम डिस्कस करेंगे आपका डाउट बट सेशन के एंड में. ओके या वैष्णवी, आई विल स्पेसिफाई द क्वेश्चंस. काइंडली वेट फॉर टू सेशन. ओके, आफ्टर टू मोर सेशन वी विल कंडक्ट वन आंसर राइटिंग सेशन. ओके, इन दैट आंसर राइटिंग सेशन वी विल प्रैक्टिस सम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड आई विल हेल्प यू इन दैट. ओके राम, प्लीज डोंट मैसेज. ओके, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट. आई रीड योर मैसेज एंड आई विल आंसर योर क्वेश्चन एज वेल, बट अलाउ मी सम टाइम, लेट मी कंप्लीट दिस लेक्चर. Once I done with this lecture, I will answer your question. Okay? All right. So हम कोटा स्ट्राइक के बारे में बात कर रहे थे. So generally they have a legendary musicians. तो इनमें बहुत ज़्यादा legendary musicians होते हैं और ये क्या करते हैं, ये manufacturers होते हैं, ये musical equipments को बनाते हैं, जैसे hard drum या फिर हम बात करें tambourine या फिर ब्रास सिंबल्स. ओके, तो ये बहुत सारे तरीके के इक्विपमेंट बनाते हैं, बट इनका जो पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है. सो ये क्या करते हैं, स्टिक पाइप से एक ड्रम पर बीट करते हैं. सो ये इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को बनाते हैं. नाउ जो कोटास ट्राइब होती है ये एक्सपर्ट म्यूजिशियन होते हैं एंड इसमें केवल नीलगिरी के ही आर्टिशियंस होते हैं. ओके, थैंक यू राघव. ऑलराइट, सो याद रखना कि जो कोटास है इसमें क्या है, इसमें आपको एक्सपर्ट म्यूजिशियंस मिल जाते हैं नीलगिरी के. नाउ इसके अलावा और भी चीज़ें बनाते हैं, तो ये लोग सिर्फ केवल म्यूजिकल इक्विपमेंट्स नहीं बनाते. अपार्ट फ्रॉम दैट दे क्रिएट मैन्युफैक्चर ऑफ रोप्स के अलावा अम्ब्रेला, बफेलो हाइड को यूज करके ज्वेलरी जैसे एंकलेट, रिंग्स, नेकलेस. ठीक है, तो ब्रास को यूज करके नेकलेस बनाते हैं, ग्लास के बीड्स बनाते हैं, काउरी शेल्स बनाते हैं. ओके, इसके अलावा ये पॉटरी में भी एक्सपर्ट होते हैं. क्या, किस में भी एक्सपर्ट होते हैं? पॉटरी में भी एक्सपर्ट होते हैं. तो व्हील क्राफ्ट के बारे में आप सभी जानते हो ना, एक इस तरीके से व्हील होता है और व्हील के बीच में मिट्टी को रख के और उससे पॉट्स बनाए जाते हैं. सो मिट्टी के बर्तन भी ये बनाते हैं ब्लैक सॉइल को यूज करके. ओके, तो इसमें क्या करते हैं, वाइट क्ले को भी ये इक्वल प्रोपोर्शन में यूज करते हैं. जनरली जो मिट्टी के बर्तन बनते हैं उसमें सिर्फ ब्लैक सॉइल यूज होता है, बट कोटास क्या करते हैं, उसमें वाइट क्ले भी यूज कर लेते हैं और कुछ डिफरेंट तरीके की ही चीजें बनाते हैं. ओके, फाइन. ओके, अभी कोटास के बाद हम डिस्कस करते हैं इरुलास के बारे में. सो नीलगिरी की जो ट्राइब है, लोकल ट्राइब, उसमें से नंबर 3 है विच इज नोन एज इरुलास. अब इरुलास क्या होते हैं, दीज आर हंटर गैदर्स. मतलब इरुलास ट्राइब क्या करते हैं, ये शिकार करते हैं. ओके, तो ये नीलगिरी माउंटेन एरियाज में रहते हैं, स्टेट्स लाइक तमिलनाडु एंड केरला. सो तमिलनाडु एंड केरला जैसे स्टेट्स में ये रहते हैं. दे यूज कॉन्च, ड्रम और ड्वार्फ पाइप. ओके, उनको यूज करते हैं या फिर लॉन्ग फ्लूट, ये सारी चीजों को यूज करते हैं एंड नागासोर इन देयर डांसेस. तो ये रेन और जब भी क्या होता है, जब भी हार्वेस्टिंग होती है, फाइन हार्वेस्टिंग, फसलों की कटाई होती है, तो उस टाइम पे इरुलास डांस करते हैं. ओके, ये ग्लास बीड नेकलेस, ब्रास आर रिंग्स, अपार्ट फ्रॉम दैट वी कैन से दैट एंकलेट्स, अलग अलग जो चीजें हैं इसके लिए ये काफी ज्यादा फेमस है. और ये क्या करते हैं, लीफ स्ट्रॉ के ऑर्नामेंट्स बनाते हैं जो कि नेकलेस और एंकलेट्स में यूज होते हैं. सो दिस इज अबाउट इरुलास और ये क्या है, ये हंटर गैदर्स हैं. ओके, इरुलास क्लियर है. चलिए अभी हम बात करते हैं नीलगिरी एरिया की फोर्थ ट्राइब जिसे पनियास कहते हैं. क्या कहते हैं, द फोर्थ ट्राइब इज नोन एज पनियास. इनको कहते हैं पनियास. नाउ जो पनिया ट्राइब है इसमें बहुत ही कम आपको क्राफ्ट देखने को मिलेंगे, म्यूजिक और डांस इनके काफी ज्यादा कम है. दे यूज ड्रम जिसे थूडी कहते हैं एंड म्यूजिकल हॉर्न जिसे चीमाम कहते हैं. ओके, तो ये रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज को परफॉर्म करने के लिए, रीति रिवाजों के लिए ये इन पर डांस करते हैं. ये एक तरीके की लेबर कास्ट है. क्या है, ये एक तरीके की लेबर कास्ट है.
नीलगिरी ट्राइब्स में जिन्हें पनियास कहते हैं. ओके, पनियास मेल्स वेयर अ लेंथी क्लोथ रैप. तो एक लंबे कपड़े को ये रैप करते हैं पनियास के मेल, और जिसको क्या कहा जाता है, जिसको मुंडू कहा जाता है. ओके, सो इट इज नोन एज मुंडू. और जो पनिया फीमेल रहती है ये एक लॉन्ग क्लोथ को पहनती है जो कि स्मॉलर वन रहता है, एक वेस्ट में, जिसे क्या कहा जाता है, जिसे अराती स्कार्फ कहा जाता है. ओके, कुरुम्बास और मुल्ला कुरुम्बास हंटर गैदर्स कहलाते हैं. एंड ये भी क्या करते हैं, तो ये भी बास्केटरी यानी जो टोकनी रहती है ना, बास्केट को बनाने के लिए ये फेमस रहते हैं. ओके, जो बास्केटरी आइटम रहता है इसमें ट्रायंगुलर, ये जैसे आप देख पा रहे हो ना इमेज में, इस तरीके से इन्होंने ट्रायंगुलर बास्केटरी को अपने हेड को कवर करने के लिए यूज करा है. जनरली वो ऐसा क्यों करते थे, तो वो खुद को रेन से बचाने के लिए, ऐसा बारिश से बचाने के लिए ऐसा करते थे, पर इनके डांसेस में भी आपको ये देखने को मिल जाता है. ओके, सो दिस इज अबाउट द ट्राइबल क्राफ्ट. ये हमने आज छोटा सा लेक्चर था. ओके, दिस वॉज अ वेरी स्मॉल लेक्चर बिकॉज ऑफ माई सम हेल्थ इशू, राइट? सो वी विल कंडक्ट द नेक्स्ट लेक्चर टुमारो. हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा कल, एंड द टॉपिक विल बी पेंटिंग्स. हम इंडियन पेंटिंग्स को डिस्कस करेंगे, हम इंडियन पेंटिंग स्टाइल्स को डिस्कस करेंगे. ओके, एंड देन उसके बाद फिर, फॉर एग्जाम्पल, वी कैन से दैट टूडे इज 27. सो आज हमने क्या कवर करा, इंडियन ट्राइबल क्राफ्ट कवर करा. ऑन 28 वी विल कवर पेंटिंग्स, एंड ऑन 29 वी विल कवर फेमस पेंटर्स ऑफ इंडिया, एंड ऑन 30 वी हैव अ सेशन ऑन आंसर राइटिंग, एंड ऑन 31 वी विल स्टार्ट इंडियन म्यूजिक एंड डांसेस. इज दैट क्लियर? नाउ यू हैव एनी डाउट, किसी को भी कोई भी डाउट है तो प्लीज यू कैन आस्क. No, entire GS will not teach on YouTube. If you want to cover the entire syllabus, you can download the Unacademy Learning app and take the subscription. Shubham, if you didn't find the link for my video, kindly do one thing. Click on the description box. You will get the playlist link. Okay, click on that. Thank you so much, Satyam. Any other doubt to any student till now? Achha, I want to tell you one more thing. There are courses available on Unacademy Learning app. See, मैं वहाँ पे आपको sociology और anthropology cover करा रही हूँ. So if आपका optional subject sociology और anthropology है, and if आपको seriously GS cover करना है, so kindly download the Unacademy Learning app, take the Unacademy subscription, and please use this code. Okay, the code is RJLIVE. If you will use this code, you will get 10% discount along with my mentorship. Okay, and kindly share this code with other student as well. Okay, आपके दोस्त किसी दूसरे competitive exam की भी preparation कर रहे हैं, आप RJLIVE code उनके साथ share कीजिए, they will get 10% discount as well. Okay, so kindly like the session, share the session. Okay, and please subscribe the channel Let's Crack UPSC CSE. Okay. All right. Thank you so much, Madhu. Thank you so much, Mohan, Vaishnavi. And thank you so much, everyone. Any doubt to anyone? All right, guys. So, see you soon. See you tomorrow. Milte hain kal. Same time, 5:30. Okay. So, bye-bye, everyone. Take care. And keep study. And see, everything is possible. Nothing is impossible. Bye-bye. Take care. जी बादर दिन जी, मैं सोशियोलॉजी आपको प्लस पे पढ़ा रही हूँ, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है. फाइन, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू सो मच.